बिहार के बोधगया में छठ पर्व को देखने के लिए विदेशी मेहमानों का एक दल पहुंचा। ये विदेशी मेहमान भारतीय सनातन संस्कृति से काफी प्रभावित है। यही वजह है कि छठ पूजा के मौके पे भगवान भास्कर को अर्घ देने भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में बोधगया स्थित छठ घाट पे पहुंचे। ये विदेशी महिलाएं पहली बार इंडिया पहुंची है और यहाँ की संस्कृति से काफी प्रभावित है। छठ पर्व को लेकर काफी उत्सुक दिखी और हर जानकारी लेती रही। पर्व की पवित्रता, शुद्धता और लोगों की भगवान सूर्य के प्रति आस्था से इतनी प्रभावित हुई कि विदेशी महिलाएं भी बोधगया पे छठ घाट पहुंची और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। Well, actually, we don't have any type festival like that in Italy. The first things that impress me in particular is that there are many families that work together, that are walking together for the just one unique purpose, which is the sun. So there's like a nature power that join and connect and link all the humans together. So I felt like inside a community, even if I'm a stranger. ये लोग मेरा वॉलेंटियर है, जहाँ पे आप लोग को बताएं, जहाँ पे हम लोग स्कूल चलाते हैं, वहाँ पे एक मंथ के लिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे आकर हम लोग अपना कल्चर इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इन लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो ऑब्वियसली अपना कल्चर को बढ़ाने के लिए ये हम लोग ये चीज़ बताएं इन लोग को, और ये सारी और जो अपना ट्रेडिशनल है वो हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इससे बहुत इन लोग प्रभावित है और खुश है। अच्छा, ये पहली बार यहाँ आए हैं जी? क्या ये पहली बार यहाँ? यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इनका बोधगया में फिर है, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गया में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में सोमवार को उदीमान भगवान भास्कर को सतगुरु श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। छठ घाट पे व्रतियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। गया के देवघाट, ब्राह्मणी घाट, सूर्यकुंड, पिता महेश्वर, सिंगला स्थान, रामशीला घाट समेत दर्जनों छठ घाटों में भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ दिया गया। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन हो, चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।